हरे कृष्ण टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट 15 चैप्टर फ्रॉम श्रीमद् भागवत गीता श्लोक नंबर वन श्री भगवाचर्धम अद्वत्थम प्रभुद्यय चंदासी यणानी वेद स वेद अनुवाद भगवान ने कहा कहा जाता है कि एक शाश्वत अस्वत्थ वृक्ष है जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर है और शाखाएं नीचे की ओर तथा पत्तियां वैदिक सूत्र है जो इस वृक्ष को जानता है वो वेदों का ज्ञाता है तो यानी एक वृक्ष के बारे में पंद्रहवा अध्याय में बताया जा रहा है और ये वृक्ष कैसा है जिसके जड़ें ऊपर है जनरली वृक्ष का जो जड़ है वो नीचे होता है और हम जड़ें ऊपर कब देखते हैं जब हम कोई तालाब के किनारे हो या सरोवर के किनारे हो और हम देखते हैं कि पानी में जो है उसका परछाई भर पर रहा है तो ऐसा लग रहा है कि जो वृक्ष है उसकी जड़ें ऊपर की ओर है नीचे की ओर होना चाहिए लेकिन वृक्ष का जड़ें ऊपर की ओर है और शाखाएं नीचे की ओर है तो ये इसका ये भी अर्थ है कि ये जो भौतिक संसार है इसका ये आध्यात्मिक संसार का जैसे एक प्रकार से ये विकृत प्रतिबिंब है जिसे पानी में प्रतिबिंब पड़ रहा है ओरिजिनल वृक्ष का तो ऐसा है तो इसमें मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगी एक बार एक रानी अपने दासियों के साथ नदी में स्नान करने गई थी तो उनका जो गले का हार था वो हीरे का हार एक चिड़िया या कौआ ने उठाकर जो है लेके गया और खो गया वो तो फिर राजा ने पूरे राज्य में घोषणा कर दिया कि जो भी मेरी रानी के ये लेकर आएंगे हार उसको बहुत हजारों स्वर्ण मुद्राएं में गिफ्ट में दूंगा बहुत लोग ढूंढने लगे किसी को नहीं मिल रहा था पर एक व्यक्ति को मिल गया उसने देखा कि पानी के अंदर वो हीरे का हार चमक रहा है तो पानी में कूद के वो ढूंढ रहा है इतना ढूंढ रहा है नहीं मिल रहा है फिर से आया बाहर तो फिर दिख रहा है फिर ढूंढ रहा है तो ऐसे सुबह से एक प्रकार से सुबह से रात हो गई शाम जब हुआ तो एक साधु वहां से जा रहा था तो वो देख रहा है पानी पहले तो सरोवर में या नदी में ही पानी पीने जाते थे लोग तो पास गए तो उनको बोला कि क्या ढूंढ रहे हो तब से आप तो बोला उसने कि मैं जब पानी के बाहर आता हूँ तो पानी स्थिर हो जाता है तो हीरे का हाड़ मुझे दिखाई देता है लेकिन जब मैं पानी के अंदर आके ढूंढता हूँ तो हीरे का हाड़ मेरे हाथ ही नहीं लगता है तो साधु हंसने लग गए तो उस आदमी ने पूछा कि आप हंस क्यों रहे हैं तो साधु ने कहा हीरे के हाड़ पानी के अंदर नहीं है पानी के ऊपर जो वृक्ष है जो पानी तक थोड़ा सा टेढ़ा है उस वृक्ष में वो हीरे का हार लटका हुआ है जो कौआ था उसने वृक्ष में छोड़ दिया था तो ढूंढ रहा था कहाँ पानी के अंदर ठीक उसी प्रकार से जो असली सुख है आनंद है वो आध्यात्मिक जगत में है लेकिन क्योंकि भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब है इसलिए यहाँ पर भी ऐसा लगता है कि सुख है पर वो एक आभास है कोई भी व्यक्ति भले ही वो एलन मास्क हो जाए सबसे दुनिया के बहुत धनी व्यक्ति हो जाए या बहुत फेमस हो जाए तो भी वो इस भौतिक संसार में हमेशा नहीं रह सकता है जिंदा जीवित और सुखी नहीं रह सकता है अगर धन से सुख आता तो कोई भी रोल्स रॉयस में या मार्सिडीज में बैठकर नहीं रोता उनको डिप्रेशन नहीं होता स्ट्रेस नहीं होता एंजाइटी नहीं होता है तो यानी असली सुख कहाँ पे है आत्मा में है परमात्मा में है आध्यात्मिक जीवन में है क्योंकि आत्मा आध्यात्मिक है इसलिए जब आत्मा आध्यात्मिक जीवन बिताते हैं तो वो सुखी रहता है जैसे मछली का स्वाभाविक जीवन पानी है आत्मा का स्वाभाविक जीवन है आध्यात्मिक जीवन तो यहाँ पे तो आ, भगवान ने कोई घुमा फिरा के बात नहीं बोला भगवत गीता में सीधा सीधा बोला और भौतिक संसार में तो कितना सारा नकली माल भी बिकता है जो ब्रांड है आप वो खरीदने जाइए थोड़ा सा ऐसे बिस्लरी का पानी ही है तो उसका कुछ नाम चेंज करके दूसरे लोग भी बेच रहे हैं उसको भी लोग ऐसे ही समझ के खरीद रहे हैं असली सोना बोल के नकली सोना भी बेच रहे हैं लेकिन भगवत गीता जो है वो वास्तविक सत्य है और हमें उसको एज इट इज स्वीकार करना चाहिए यद्यपि जो प्रतिबिंब है उसका कोई अस्तित्व नहीं है पानी के अंदर जब आप वृक्ष को देखते हैं उल्टा तो छवि है असली वृक्ष की उसकी अस्तित्व तो नहीं है लेकिन वास्तविकता का प्रमाण है उसी प्रकार भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत के अस्तित्व का सूचक है इसलिए पंद्रहवें अध्याय में एक वृक्ष के बारे में उदाहरण दिया है तो स्वयं को इस प्रतिबिंब से कैसे मुक्त करें कि ये भौतिक संसार में जो प्रतिबिंब है उसमें हम आ गए हैं हमें रहना चाहिए आध्यात्मिक जगत में जब हम उचित उपाधि को जानेंगे हमारा उचित उपाधि है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है कि हम आत्मा हैं और हम भगवान कृष्ण के अंश हैं ये हमारा कंस्टिट्यूशनल पोजीशन है या भगवान कृष्ण के सेवक ही हमारा ओरिजिनल पोजीशन है तो इसलिए उचित उपाधि को हम पहचाने और भगवान के प्रति आसक्ति को बढ़ाए तो भौतिक आसक्ति अपने आप ही कम हो जाएगा और जो हमारा स्वामित्व का बहुत अहंकार होता है ये मेरा है वो मेरा है उसको हम ऐसे सोचने लगने चाहिए कि ये सब भगवान का है सारा जमीन गोपाल की तो इस तरह से हम स्वयं को प्रतिबिंब से मुक्त कर सकते हैं तो हमें डिटरमाइंड होना होगा आप किस रास्ते पे जाना चाहते हैं भगवान ने जो रास्ता बताया वो कि अपना मार्ग बनाना चाहते हैं तो अगर हम मनमानी ढंग से कार्य करते हैं जैसे कोई बीमार होते हैं और सीरियस बीमारी है तो मनमानी ढंग से कार्य करेगा तो बीमारी और खराब हो जाएगी लेकिन अगर वो डॉक्टर वो भी ऑथेंटिक डॉक्टर की प्रिस्क्राइब मेडिसिन को लेगा तो बीमारी ठीक हो जाएगी ठीक उसी प्रकार से क्योंकि गॉड इज ऑनली परफेक्ट भगवान ही केवल परफेक्ट है तो हमें भगवान के बताए मार्ग को अपनाना चाहिए श्लोक नंबर सिक्स भगवान अपने धाम के बारे में हमें बता रहे हैं न तद्भासायते सूर्यो न शशांको न पावक यद्गत्वा निवर्त तद धमा परम ममा भगवान आध्यात्मिक लोक जो कृष्ण का धाम है उसके बारे में बता रहे हैं और बोल रहे हैं कि ना तो सूर्य वो मेरा परम धाम परम मतलब सबसे श्रेष्ठ जितना भी जगत है सबसे श्रेष्ठ जगह जो है भगवान का धाम है यानी भगवान का घर और क्योंकि हम भगवान के अंश है वो हमारा भी घर है जैसे माता पिता का घर बच्चों का घर होता है वैसे ही तो कृष्ण कहते हैं वो मेरा परम धाम न तो सूर्य या चंद्र के द्वारा प्रकाशित होता है और ना अग्नि या बिजली से जो लोग वहां पहुंच जाते हैं वे इस भौतिक जगत में फिर से लौट कर नहीं आते हैं तो कहने का तात्पर्य है कि भगवान के धाम में कोई आर्टिफिशियली कैंडल जलाने की लाइट जलाने की इसकी जरूरत नहीं है वो हमेशा जो है आलोकित रहते हैं और आ, वो हमेशा ही सूर्य जो सूर्य को जो रोशनी आता है वो रोशनी भी भगवान के धाम से निकला हुआ रोशनी ही वो रोशनी है एक्चुअली तो इसीलिए कभी भी हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि जैसे कि भगवान से अर्जुन प्रश्न पूछते हैं कि सूर्य तो आपसे पहले से ही थे तो कृष्ण कहते हैं मैं तो कई बार आ चुका हूं धरती पर आप भी आ चुके हो पर आपको याद नहीं रहता है पर मुझे याद रहता है क्योंकि भगवान जो है अंतर्यामी है सब कुछ जानते हैं तो इसलिए जो भी भगवान के शरीर से निकला हुआ ज्योति है इससे आध्यात्मिक जगत हमेशा आलोकित रहते हैं और इसी ज्योति का नाम जिससे जो वैकुंठ जगत से निकल रहा है उसका नाम है ब्रह्मज्योति जिसमें निराकारवादी विलीन होना चाहते हैं क्योंकि वो इटर्नल है और उसी ज्योति से सूर्य चंद्र आदि अन्य जो ग्रह नक्षत्र है या आध्यात्मिक जगत के बाहर जो भौतिक ब्रह्मांड है उसको भी रोशनी मिलती है तो इसलिए भगवान कहते हैं कि वो स्वतः आलोकित है भगवान के शरीर से निकला हुआ ज्योति से आलोकित है और जो भी एक बार भौतिक जगत से वैकुंठ जगत जाते हैं वो कभी लौट कर इस भौतिक जगत में नहीं आते तो हमारा मनुष्य जीवन का जो कर्तव्य है वो यह है कि हम भगवान के साथ जो हमारा खो गया है उस संबंध को हम पहचाने क्योंकि हम भौतिक संसार में आने की वजह से हमारा जो स्मृति है वो विस्मृति में बदल गया है हम जो आज माता पिता भाई बहन ये जो संबंध है इसको ही सब कुछ मान बैठे हैं जैसे आपका जो पूर्व जन्म हुआ था उसमें आप किसके माता पिता भाई बहन या पति पत्नी थे आपको याद नहीं स्मरण नहीं है तो उसी प्रकार से हम भूल चुके हैं कि भगवान के साथ हमारा जो इटरनल संबंध है क्योंकि हम आत्मा के लेवल पर नहीं सोचते हैं भगवान कहते हैं ममय वांशो जीवलोके कृष्ण कहते हैं कि ये जो जीवात्माएं हैं है, ये मेरा अंश है ममय वांशो तो हमारा वास्तविक पहचान क्या है कि मैं कृष्ण का नित्य दास हूं आजकल जो आधुनिक शिक्षा व्यवस्था है मॉडर्न एजुकेशन इट्स ऑल अबाउट मेकिंग ऑल पीपल सर्वेंट सर्वेंट ऑब्वियसली हम बड़े-बड़े डिग्री लेते हैं बी टेक करते हैं एम बी ए करते हैं एम बी बी एस करते हैं और फिर अपना सुंदर सा सी वी बना के जो मालिक होंगे कंपनी का या कॉलेज का या उनके पास जाके क्या बोलते हैं मुझे चाकर रखो जी मुझे चाकर रखो जी मेरा भाई तो भगवान को बोलते थे मुझे चाकर रखो जी चाकर रखो मतलब मुझे नौकर रख लो मुझे नौकरी दे दो क्योंकि भौतिक संसार में ऐसा ही सिस्टम है अगर हम भगवान के सर्वेंट है इस चीज को स्वीकार नहीं करते हैं तो काल तक जन्म जन्मांतर तक हमें भौतिक जगत में ऐसे ही कष्ट से डिग्री हासिल करना होगा और फिर मुझे नौकर रख लो मुझे नौकर रख लो मैं बड़ा अच्छा काम करूंगा मैं सबसे बेस्ट परफॉर्मर बनूंगा मुझे थोड़ी सी पैसे दे देना जॉब दे दो जूस ऑफ बॉडी आपका पूरा निकाल लेंगे आपका एक्सप्लोटेशन भी होगा आप दुखी भी रहेंगे फिर भी आप छोड़ेंगे नहीं क्योंकि पापी पेट का मामला है ऐसे बोलते हैं ना कि पेट तो मांगता है खाना पीना परिवार का अच्छा रहन सहन के लिए एजुकेशन के लिए कमाना पड़ता है भौतिक संसार में बहुत कष्ट से कमाना पड़ता है जो कमा रहे हैं आप उनको पूछिए कि कितना कुछ सहन करके वो कमा रहे हैं यहाँ तक कि भौतिक संसार में एक रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए कितना सहन करना पड़ता है? है ना जो सहन नहीं करते वो अकेला रहता है तो ये भौतिक संसार है और बहुत स्वार्थी होते हैं भौतिक संसार में मैक्सिमम लोग तो इस केस में आप आध्यात्मिक संसार नहीं जाना चाहेंगे जहाँ पे आपको कोई भी प्रकार का जन्म नहीं है मृत्यु नहीं है बुढ़ापा नहीं है बीमारी नहीं है ना ही शरीर का थकान होना कष्ट पाना ना ही कोई आपको वर्ड से यानी वचन से कोई कष्ट देने वाले है भगवान के धाम में व्यक्ति स्वयं से ज्यादा दूसरों पर भरोसा करते हैं दूसरों से प्रेम करते हैं उनके अंदर बहुत सेवा भाव होता है तो इसलिए हम इस जीवन में अगर भक्त और भगवान के सेवा करें तो निश्चित रूप से हम वो क्वालिटी वो गुण वो योग्यता अर्जन कर लेंगे जिससे हम भगवान के धाम में प्रवेश करने के लायक बनेंगे तो हमारी वास्तविक पहचान क्या है कि मैं कृष्ण का नित्य दास हूँ अगर आप कृष्ण का दास बनना स्वीकार नहीं करेंगे तो आप किसी ना किसी का तो दास बनेंगे आप भले ही प्रधानमंत्री बन जाइए तो आप देशवासियों का दास बनेंगे कैसे क्योंकि ouais? आपका कर्तव्य है कि आप देशवासियों का सेवा करें आप बड़े बिजनेसमैन बन जाएंगे तो आप कस्टमर का देश दास बनेंगे कस्टमर की सेवा करनी होगी आप कोई पति बनते हैं तो पत्नी की सेवा करनी होगी पत्नी बनते तो पति की सेवा करनी होगी तो इस तरह से जो है इस तरह से हमें दास किसी ना किसी का तो दास हमें बनना ही पड़ेगा हम दास बने बिना नहीं रह सकते हैं तो क्यों ना हम भगवान का दास बने आप देखिए हमारे भौतिक संसार में आप किसी का दास बनेंगे यानी आप बॉस नहीं है कोई आपका बॉस है तो क्या आपको आ, वो बहुत सम्मान देंगे आपको ऑर्डर देंगे राइट जैसे आपके घर में जो काम करने वाली बाई या कोई भी आते हैं तो आप उनको ऑर्डर देते हैं वो आपके दास का कार्य कर रहे हैं राइट तो इस तरह से भौतिक संसार में लोग नीचा दिखाने के लिए किसी भी हद तक जाते हैं और अगर आप उनके पोजीशन से नीचे हैं तो आप वो आपको कैसे भी बिहेव कर सकते हैं पहले के ज़माने में तो फिर भी थोड़ा सा लोग बोलचाल में वो मेंटेन करते थे जो एक मेंटेन करना चाहिए कि अच्छा बिहेवियर आजकल तो कॉरपोरेट में आप कैसे भी कोई भी बिहेव करते चीख रहे चिल्ला रहे गाली भी दे रहे हैं तो ये दास का हाल है भौतिक संसार में और आध्यात्मिक संसार में दास का हाल सुनिए आध्यात्मिक संसार में भगवान श्री कृष्ण अपने दास यानी अपने जो भक्त है जैसे गो गोपाल है यानी गोप बालक है उनके साथ जब खेलते हैं तो खेल में ऐसा खेल होता है जैसे कि आप आप मेरे कंधे पर चढ़ो मैं जहाँ जा, आपको जहाँ जहाँ घूमना है मैं घुमाऊंगा फिर मैं आपके कंधे पर चढ़ूंगा तो कृष्ण अपने भक्तों को अपने कंधे पर चढ़ा के घूम रहे हैं जब भगवान धरातल पर आते हैं अर्जुन को अर्जुन के सारथी बनते हैं तो आध्यात्मिक संसार में भगवान श्री कृष्ण कैसे अर्जुन के सारथी बने भगवान होकर सारथी का कार्य तो शूद्र का कार्य होता है ना इट्स लाइक अ ड्राइवर इन दैट पीरियड सारथी बने रास्वी यज्ञ में सबके पैर भी धोए अपने मतलब अपने जो दास है उसको भगवान कैसे रखते हैं सर आंखों पर बिठाकर इतना लाड़ प्यार करते हैं और बोलते मत भक्त पूजा मेरे भक्तों की पूजा मेरे से भी बढ़ चढ़ कर करो उसमें मैं संतुष्ट आदि आदिपुराण में बोलते हैं अर्जुन जो मेरा भक्त है डायरेक्ट भक्त उसको मैं भक्त नहीं मानता जो मेरे भक्त के भक्त है उसको मैं भक्त मानता हूँ यानी भगवान चाहते हैं कि उनके भक्तों की सभी सेवा करें जब सुदामा कृष्ण से द्वारका में मिलने आते हैं वो लक्ष्मियों को सेवा में लगा देते हैं सुदामा के क्योंकि सुदामा उनके भक्त है जितनी भी रानियां तो ऐसा है कृष्ण का दास बनना और बार बार भौतिक संसार में जन्म ले लेके दूसरों का दास बनना कितना बुरा है अभी अगर आप स्टूडेंट है तो आप जब नौकरी करेंगे तब आपको पता चलेगा जब शादी करेंगे जिम्मेदारियां लेंगे तब पता चलेगा तो क्या होता है बहुत कष्टों के साथ आपको एडजस्ट करना पड़ेगा बहुत सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेगी रेगुलरली शेड्यूल्ड पहले ही आप भक्ति शेड्यूल्ड ना भी करें कि रोज सुबह उठ के मैं गिन कर इतना माला जब करूँगा या भगवान या तुलसी देवी का आरती करूँगा या लाइक like डैड कुछ शेड्यूल्ड होना चाहिए आध्यात्मिक जीवन के लिए अगर आप नहीं भी करते हैं तो भी भौतिक संसार में तो आपके बॉस आपसे शेड्यूल फॉलो करवाएंगे ही जब आप लेट आएंगे ऑफिस आपकी सैलरी काट देंगे कुछ काम दिया है आप टाइम से नहीं करेंगे आपको सुनाएंगे वार्निंग देंगे कि आपको नौकरी से निकाल दिया जा सकता है तो ये भौतिक संसार है तो आप डिसाइड कीजिए कि कहाँ पे रहना हमारे लिए अच्छा है तो ये हमें डिटर दितर्मिने, डिटर्मिनेशन के साथ करना होगा और बैलेंस बना के करना होगा क्योंकि हम आत्मा है लेकिन हमारे पास शरीर भी है अब शरीर के लिए कुछ कार्य करना होगा पेट को पालने के लिए लेकिन उसको भी हमें भगवान के प्रति समर्पित होकर करना होगा श्लोक नंबर आठ शरीरम याद आपती युत्क्रामतीश्वर गृह संयाती वायुरीगंधा निवास इस संसार में जीव अपने एक शरीर से दूसरे शरीर में उसी तरह ले जाता है जिस तरह वायु सुगंधि को ले जाती है इस प्रकार वो एक शरीर धारण करता है और फिर इससे त्याग कर दूसरा शरीर धारण करता है ये जो हम पुनर्जन्म की घटना है कहानी है ये शास्त्रों में तो बताया गया था पर अब साइंटिस्ट को भी पता चलने लगा अब पता चलने लगा है क्योंकि ऐसे केसेस हुआ है एक केस तो महात्मा गांधी के टाइम में ही हुआ है शांति नाम की एक लड़की है जो जन्म लेती है और बचपन से ही वो अपने हस्बैंड के बारे में पूछती है अपने बेटे के बारे में पूछती है तो घर वालों को लगता है पता नहीं कौन से गांव के बारे में पूछती रहती है छोटी सी ये भी बोलना सीखी ये दो तीन साल हुआ है फिर वो हमेशा एक ही बात करती रहती है जब वो छः साल की हुई थोड़ी बड़ी हुई तो पता क्या गया कि उस गाँव उस जगह पे क्या कोई ऐसा व्यक्ति भी है जिसको वो हस्बैंड बोलती है तो फिर पता किया गया तो हाँ है तो फिर वहाँ के जो लोग हैं उसके जो हस्बैंड है उन्होंने अपने भाई को भेजा कि पता करो कि एक इतनी छोटी बच्ची मुझे हस्बैंड बोल रही है जाके पता करो तो ऐसे होते होते आठ नौ साल की हो गई तो अब जब चाचा आए उनके मतलब चाचा नहीं उनके हस्बैंड के भाई मतलब देवर आए तो उन्होंने तुरंत पहचान लिया फिर महात्मा गांधी भी जो है एक कमिटी मतलब बना के भेजा और उस लड़की को भी लेके गए तो लड़की ने तुरंत घर पहचान लिया सब बातें जो जो पूछा सब बता दिया तो और, और अपने हस्बैंड को देख जो हस्बैंड भी उनके मिलने आए थे तो हस्बैंड को देख के बहुत खुश हुई और लेकिन हस्बैंड ने दूसरी शादी कर ली थी तो वो बोली कि आपने तो मुझे बोला था ना कि आप दूसरा दूसरी विवाह नहीं करेंगे अगर मुझे कुछ हो जाता है तो फिर आपने दूसरी शादी क्यों की तो इस तरह से मतलब उस समय महात्मा गांधी ने भी इस सिचुएशन को कमेटी बनाकर चेक किया था कि हाँ पुनर्जन्म ही हुआ है इस लड़की का नहीं तो इतनी छोटी बच्ची सब कुछ डिटेल बता रही है तो ऐसे अनेक घटनाएं आप गूगल में सर्च कर सकते हैं यूट्यूब में सर्च कर सकते हैं यानी पुनर्जन्म होता है पहले तो लोग शास्त्र को गलत बोलते थे नहीं पुनर्जन्म कुछ नहीं होता आत्मा आत्मा कुछ नहीं होता शरीर ही सब कुछ होता है एक बार खत्म तो खत्म बाल आपको सुखी रहना है ऐसा नहीं है पुनर्जन्म होता है और आपके कर्म के वजह से आपको भुगतना भी पड़ेगा तो इसीलिए जब हम इस संसार में जैसा भी भावना हम बनाएंगे अच्छा बुरा तो अच्छा संस्कार बुरा संस्कार तो अगले जीवन में वो केरी फॉरवर्ड हो जाएगा जैसे कि फूल है गुलाब का ही फ्लावर है कोई भी सुंदर रात की रानी जो बहुत खुशबू फैलाते हैं तो हवा में उसकी खुशबू सबके नाक में प्रवेश कर जाते हैं क्योंकि वह जो रात की रानी फूल है तो उसकी सुगंध बहुत अच्छी है जो हवा हमारे तक पहुंचाती है तो फूल लेकर नहीं आते हवा तो उसी प्रकार से हमारा जो संस्कार है वो हमारे आत्मा के साथ ही वो दूसरे शरीर में प्रवेश करते हैं इसलिए आप देखते होंगे कई बच्चा बचपन से ही इतना गलत आदतों का शिकार हो जाता है पेरेंट्स भले ही अच्छा सिखाए वो गलत ही करेगा क्योंकि वो संस्कार ऐसा लेकर आता है पूर्व जन्म से तो अभी हमें इसी जन्म में संस्कार साफ़ करना होगा प्योरीफाई करना होगा खुद को भगवत धाम जाने के लिए नहीं तो ये जन्म जन्मांतर तक हमें भुगतना पड़ेगा क्योंकि लोग अपने ही नेचर की वजह से कष्ट पाता है तो भौतिक जगत में परिवर्तन अनिवार्य है इनएविटेबल है चेंज इज इनएविटेबल तो हमें यह देखना है कि परिवर्तन हमारी प्रगति की ओर हो रहा है कि पतन की ओर हो रहा है श्लोक नंबर तेरह भूतानी धारोज सामी चौषधि सर्व सोमक मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूँ और मेरी शक्ति से सारे लोग अपनी कक्षा में स्थित रहते हैं मैं चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पति को जीवन रस प्रदान करता हूँ आपको पता है सूर्य का रोल तो आपको पता है चंद्र का रोल क्या है चंद्रमा की जो रोशनी हो बहुत ऑस्पीसियस है भगवान ने ऐसे ही सूर्य चंद्र नहीं बनाया है चंद्रमा के रस से हमारे जो सब्जियाँ उगते हैं ना उसमें स्वाद भर जाता है फल में स्वाद भर जाता है तो एक्चुअली भगवान ही ये सब कार्य करते हैं भगवान की शक्ति से ही सब ग्रह नक्षत्र जो तैर रहा है ना ऐसे आसमान में भगवान की शक्ति से ही होता है तो ये जो साइंस साइंस है बड़ा साइंस हम लोग पढ़ते हैं तो भगवान से बड़ा साइंटिस्ट कोई नहीं है आपके शरीर में ही करोड़ों नस नस होता है जो बाल के जितने छोटे छोटे एक नस दब जाता है तो इतने बीमार हो जाते हैं लोग डॉक्टर भी पकड़ नहीं पाते कि क्या उनकी बीमारी है और कितने पैसे चले जाते हैं बस एक नस के दबने से तो इसीलिए भगवान ही है जो समस्त वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान करते हैं हमारे पेट में जो पाचन शक्ति है पाचन अग्नि है वो भी भगवान भगवान के कारण ही वो हम पाचन कर सकते हैं तो अगर जब हम भागवत गीता पढ़ते हैं ना कृष्ण पर संपूर्ण निर्भरता का एहसास हमें होता है अनुभव होता है और हमारे हृदय में अपार विनम्रता और आभार प्रकट होता है ये बहुत जरूरी है ये पंद्रहवा श्लोक जो है पंद्रहवा अध्याय की बहुत ही महत्वपूर्ण है भगवान कहते हैं सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्त स्मृति च विदेच सर्वे विद्यो वेदांत भगवान कहते हैं मैं सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो आप पूछते हैं कि भगवान सबके अंदर है कहाँ है भगवान सबके अंदर है जीवात्मा के हृदय में आत्मा भी जो शरीर है ना हमारा शरीर उस शरीर में जो आपका हृदय है हार्ट है उसमें आत्मा और परमात्मा दोनों का निवास है और भगवान कहते हैं मत्त स्मृति ज्ञानम अपोहनम ही स्मृति ज्ञान तथा विस्मृति होती है आप जब एग्जाम के लिए पढ़ते हैं आपको स्मृति रहेगा या विस्मृति वो भगवान से ही आता है और इसी प्रकार से हमारा जो इंटरनल संबंध है हमारा प्रत्येक संबंध में अलग अलग माँ बाप अलग अलग भाई बहन मिलता है लेकिन कृष्ण के साथ जो हमारा संबंध है हर जन्म में वो सेम ही होता है भगवान हमें कभी भी नहीं छोड़ते हैं भले ही हम अपने कर्मों की वजह से मल के मल में जो रहने वाले टॉयलेट का कीड़े वो भी बन जाए तो परमात्मा तब भी हमारे अंदर ही रहते हैं ही इज द बेस्ट फ्रेंड नहीं तो बुरे समय में तो बहुत सारे दोस्त छोड़ देते हैं कृष्ण कभी भी नहीं छोड़ते और उनकी कृपा से ही हमें ये स्मृति हो सकता है कि हम आध्यात्मिक हैं भगवान के अंश उसके लिए हमें प्रार्थना करना चाहिए कृष्ण कहते हैं वेदेक्ष सर्वे दहमेव वेद्यो वेदों के द्वारा लोग बड़े बड़े विद्वान बनते हैं संस्कृत पढ़ते हैं लेकिन वेदों के द्वारा जानने योग्य या वेदों का अंतिम लक्ष्य है तो भगवान श्री कृष्ण है इसलिए जिन्होंने वेदों को नहीं भी पढ़ा लेकिन कृष्ण की शुद्ध भक्ति कर रहे हैं वो सबसे श्रेष्ठ है श्रीमद् भागवतम में कहा गया है अहो इसमें इसमें एक श्लोक है उसमें बताते हैं कि भगवान अहो बत स्वापचो तो जीवाग्री यजीवाग्री वर्त तेना अगर कोई चांदाल के घर में भी पैदा हुआ है ना कुत्ता खाने वाले परिवार में तो भी अगर वो हरी नाम जप कर रहा है तो वो सबसे श्रेष्ठ है इतना बड़ा पोजीशन है एक हरी भक्त का वो पूरे संसार में भगवान उनको श्रेष्ठ मानते हैं तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि वेदुर द्वारा जानने योग्य अगर कोई वस्तु है वो मैं हूं भगवान कहते हैं निस्संदेह देखिए लोग बोलते नहीं वेद उपनिषद तो किसी मनुष्य ने लिखा हम कैसे मानेंगे हम नहीं मानेंगे नहीं मानेंगे तो आपका लॉस है क्योंकि तो भगवान कहते हैं निस्संदेह में वेदांत का तथा समस्त वेदों को जानने वाला हूँ तो ये भगवान के इवन यमराज भी बोलते अपने यमदूत से भागवत में बोलते हैं धर्मम साक्षा तो साक्षात भगवत प्रणीतम ये जो धर्म बनाया ये वेद उपनिषद पुराण पुराने भगवान ने दिया है भगवान के आ, मुख से निकला है ये सब कुछ नहीं तो इतना परफेक्ट कैसे होगा कि कब किसका जन्म होगा वो बताया गया है भविष्य के बारे में बताया गया है पांच हजार पहले तो लिखित रूप दिया गया लिखित रूप से पहले भी वो श्रुति और स्मृति में चलता आ रहा था क्योंकि उस समय लोगों का जो मेमोरी पावर है वो बहुत स्ट्रांग है और ऐसे भी उच्च लोक में बहुत स्ट्रांग है मनुष्य के जैसा नहीं है कलयुग के तो इसलिए लिखित रूप देना पड़ा और जब लिखित रूप दिया तो भी हम देखते हैं पांच हजार साल पहले लिखा लेकिन उसमें लिखा गया था ढाई हजार बाद बुद्ध आएंगे साढ़े चार हजार साल बाद चैतन्य महाप्रभु आएंगे चाणक्य पंडित आएंगे और चंद्रगुप्त को राजा बनाएंगे ये सब भी लिखा है मनुष्य के बारे में भी तो लिखा है इतना परफेक्ट है ये बताया गया है कि गोबर बहुत पवित्र है लोग मानते नहीं थे अब सब मानते हैं गाय की महत्व गाय का ही ऐसा गाय ही एक पशु है जिसका मूत्र और गोबर स्तूल दोनों ही महापवित्र है वो एंटी बैक्टेरियल है तो ऐसे बहुत सारी बातें बताया गया है शास्त्र में जो परफेक्ट है परफेक्ट साइंस है जिसमें कोई अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है बदलता नहीं रहता है तो इसलिए भगवान जो हमें विस्मृति देते हैं ना वो भी अच्छा है अगर भगवान हमें विस्मृति ना दे जैसे आपके कोई आत्मीय आत्मीयजन को आपने खो दिया जैसे माता पिता का देहांत हो जाता है अगर हम भूलें ना ना तो उसी क्षण में हम रुक जाएंगे डिप्रेशन होकर मर जाएंगे तो विस्मृति भी वरदान है भगवान का कोई हमारा अपमान कर दिया हम अगर समय के साथ भूले ना तो घाव भरेगा ही नहीं हम हमेशा परेशान रहेंगे तो ये विस्मृति करके भगवान हमें कष्ट से बचाते अगर आपको पूर्व पूर्वजन्म याद रहे तो आप पूर्व जन्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएंगे ऐसे कितना पूर्व जन्म में आप भाग जाएंगे मतलब आप कितने लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा सकते फिर इस जन्म में आप वो आनंद उठा नहीं सकते हैं तो इस तरह से भगवान हमें विस्मृति देकर भी बचाते हैं जब हम किसी की भलाई करते हैं तो बदले में प्रशंसा की आशा करते हैं और जब कोई हमारी भलाई करता है तो उसका कर्तव्य समझते हैं कि नहीं हमारी भलाई किया तो ये तो उसका ड्यूटी है लेकिन हम किसी की भलाई करते हैं तो हम चाहते हैं कि ये हमारी तारीफ करें हमने एहसान किया लाइक like दैट ऐसा होता है कई बार तो हमारे लिए तो भगवान कितने जन्मों से हमारा पालन पोषण कर रहे हैं निस्वार्थ प्रेम कर रहे हैं हमारे लिए दोनों हाथ फैलाए खड़े हैं कि तुम एक कदम आगे बढ़ो मैं दस कदम आगे बढ़ने के लिए तैयार हूं वापस आ जाओ घर भगवान इंतजार कर रहे हैं और हमारा पालन पोषण कर रहे भले ही हम भगवान विमुख हो जाए भक्ति ना करें ऐसे बहुत लोग हैं फिर भी भगवान उनका भी पालन पोषण कर रहे हैं ऐसा नहीं है कि उनको भूखा मार रहे हैं तो अपने कर्मों के हिसाब से भगवान सबको फल दे रहे हैं सोलवा श्लोक है पुरुषो लोके क्षर, क्षर एव क्षर, क्षर उच्चते तो इस श्लोक में भगवान कहते हैं जीवात्मा दो प्रकार के होते हैं जीव एक तो च्युत एक अच्युत क्षर और अक्षर भौतिक जगत में जो लोग होते हैं ना वो क्षर होते हैं उनका शरीर बूढ़ा हो जाता है मर जाता है और वो पतित होते रहते हैं भौतिक संसार में आज मनुष्य योनि में तो कल कुत्ता की योनि में जा सकता है सांप की योनि में जा सकता है तो इससे पतन होता है लेकिन आध्यात्मिक जगत में हर जीव अक्षर होते हैं उसका कभी पतन नहीं होता डिमोशन नहीं होता वो कभी भी आ, अपने पोजिशन से नीचे नहीं जाता है तो भौतिक जगत में लोगों के अंदर होता है कि मैं बहुत जरा भोग करूँ मैं ही बॉस मैं ही सब भोग सब भोग मेरी बातें सुने लेकिन आध्यात्मिक संसार में संसार में सब भगवान की संग की आशा करते हैं भगवान की आज्ञा का पालन करते हैं सदैव भगवान के साथ रहने की इच्छा करते हैं जब हम भगवान के भक्त बनते हैं तो भगवान के हिसाब से हम आ, जैसा भगवान चाहते जैसे आप किसी से प्रेम करें तो जो प्रिय होते हैं उनके हिसाब से आप जीवन जीना पसंद करते हैं कि उनको क्या पसंद होगा जैसे कोई लड़की है मान लीजिए उनका कोई बॉयफ्रेंड बन गया तो उसके हिसाब से वो कपड़े पहनती है सजती संवरती है तो भक्त भगवान के हिसाब से करते हैं जैसे वो वैष्णव तिलक लगाएंगे कंठी माला तुलसी का माला धारण करेंगे वैष्णव ड्रेस धारण करेंगे जब भी मंदिर जाएंगे या कभी भी तो इस तरह से क्या करते हैं वो भगवान के हिसाब से चलते हैं हर कार्य करने से पहले वो सोचते हैं कि मेरे प्रियतम कृष्ण जो है क्या उनको अच्छा लगेगा मैं ऐसा करूंगा तो क्या मैं मान लीजिए जैसे कि किसी को आदत है कि वो नशा करता है लेकिन अब भक्त बन गया तो फिर वो इसलिए नशा छोड़ता है कि कृष्ण को अच्छा नहीं लगेगा इसलिए तो आप सोचिए कि आप भगवान के लिए कुछ करते हैं भगवान के प्रसन्नता के लिए कुछ करते हैं तो कृष्ण कितना प्रसन्न हो जाएंगे और आपको उनको जाके चिल्ला चिल्ला के बताने की जरूरत नहीं है मनुष्य की तरह वो आपके हृदय में बैठे हुए हैं वो आपकी हर भावना को देख रहे हैं नाप रहे हैं तोल रहे हैं तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने भावना को शुद्ध करें श्लोक नंबर अठारह यस्मात्मती तो हम अक्षरा दिचोत्तम अत स्मी लो प्रथितः पुरुषोत्तमः भगवान कहते हैं चूंकि मैं क्षर और अक्षर दोनों के परे हूँ और चूंकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ अतएव मैं इस जगत में तथा तो वेदों में परम पुरुष के रूप में विख्यात हूँ परम पुरुष मतलब सबसे श्रेष्ठ पुरुष सबसे परम ईश्वर मतलब सभी ईश्वरों में श्रेष्ठ ईश्वर तो अगर हम भगवान के शरण लेते हैं तो हम भी उस अक्षर अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं भगवत धाम को प्राप्त कर सकते हैं। श्लोक नंबर 19 में कहा है यो मां व सम्मो जानती पुरुषोत्तम सर्विद भजती माम सर्वभावे न भारत जो कोई मुझे संशय रहित होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है वो सब कुछ जानने वाला है अतः वही भरतपुत्र वो व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में रत रहता है तो एक बार जब हम ये शास्त्र पढ़ने लगते हैं और उसको फॉलो करने लगते हैं प्रैक्टिस भी करना होगा ना सिर्फ ज्ञान होने से क्या होगा वो तब तक रियलाइज्ड नहीं होगा जब तक हम उसे प्रैक्टिस नहीं करेंगे उसे तो प्रैक्टिस करना होगा और फिर क्या होगा कि उसको भगवान बोलते हैं कि वो निरंतर मेरी पूर्ण भक्ति में लगा रहता है क्योंकि वो डिटरमाइंड हो जाता है तो इसी के साथ पंद्रहवा अध्याय समाप्त हुआ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हरे कृष्णा